हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल SCS एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मैं आपको डायरेक्ट लिंक भी दूंगा जिसके माध्यम से आप लोग अपने डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को चेक कर पाएंगे और डाउनलोड कर पाएंगे। अगर उसमें किसी तरह की त्रुटि है तो उसको किस प्रकार से सुधार करेंगे वो भी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप लोग पूरे शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के साथ ताकि वो लोग भी अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड को डाउनलोड कर सके। तो हम लोग पहले चर्चा करते हैं कि आप लोग अपना डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड कब से लेके कब तक चेक कर सकते हैं। तो आप लोग अपना डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड है वो 28/7/2021 से लेके यानी आज से लेके 5/8/2021 तक आप लोग अपना डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग क्लास 12th के जो स्टूडेंट है वो अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं और क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स है वो किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों स्टूडेंट्स है वो 28 तारीख से लेकर 5 तारीख तक अपना डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों का जो है संयुक्त रूप से रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी कर दिया गया है। तो जो स्टूडेंट्स क्लास 12th के हैं वो जाएंगे seniorsecondary.biharboardonline.com/studentregistrationcard.aspx। अभी आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ, फिर आपको मैं वेबसाइट पर ले जाकर चेक करवाऊंगा कि आप लोग किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो अब आपको आते हैं कि इसमें क्या सब डॉक्यूमेंट लगेगा आपको चेक करने में। तो सबसे पहले आपको अपना कॉलेज नेम, जो आपका कॉलेज का नाम है ये आपको पता होना चाहिए, ये कॉलेज का जो कोड है ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपका फैकल्टी साइंस है, आर्ट्स है या कॉमर्स है, ये तीनों में से क्या है आपको वो भी पता होना चाहिए। फिर आप जो स्कूल में अपना नाम दिए होंगे उसके बाद फादर्स नेम, दोनों का इंग्लिश में आपको पता होना चाहिए और आपका डेट ऑफ बर्थ। अगर ये चारों आपको पता है तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये चारों डालने के बाद, सही सही डालने के बाद अगर आपको एरर आ रहा है तो उसमें आपको क्या करना होगा ये भी हम लोग वीडियो के लास्ट में आपसे चर्चा करेंगे। अब आते हैं क्लास 10th स्टूडेंट। तो क्लास 10th के जो स्टूडेंट है वो आपको secondary.biharboard.online.com पर जाएंगे। क्लास 10th के जो स्टूडेंट है वो कहाँ जाएंगे, secondary.biharboardonline.com। इसको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो है आपको स्कूल का कोड, इनको पता होना चाहिए, फिर इनका नाम और इनका फादर्स नेम और इनका डेट ऑफ बर्थ, ये क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए रिक्वायरमेंट है। अब आते हैं आपको जिस स्टूडेंट का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी किया जा रहा है उन विद्यार्थियों के मोबाइल पर भी इससे संबंधित सूचना को SMS को भेजा जा रहा है ताकि स्वयं जो है विद्यार्थी अपना डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। इस बार आपको फैसिलिटी दिया है। तो अगर आपको मैसेज आ चुका है तो आप भी अपना डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको अभी तक मैसेज नहीं मिला है तो इसमें आपको क्या करना होगा, आप चेक कर सकते हैं या नहीं चेक कर सकते हैं, तो इसका जवाब आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैंने जो वेबसाइट बताया आपको उस पर जाना होगा। उसके बाद विद्यार्थी अपने प्रधान, अगर आपको इसमें से अगर किसी तरह की त्रुटि है या इसमें किसी चीज में गलती है तो विद्यार्थी अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के माध्यम से या स्वयं अपने डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में अंकित विवरण का मिलान करेंगे और उनके बाद डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में अगर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है तो उसे कोई दिक्कत नहीं। अगर त्रुटि है, जैसे उसके नाम में त्रुटि है या माता पिता के नाम में त्रुटि है या उसका फोटो में या जन्म तिथि, जाति, धर्म, लिंग, विषय या किसी चीज में उसके त्रुटि है तो वो अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के माध्यम से संपर्क करके वो उसका सुधार करा सकते हैं। अगर आपको मैंने बताया था कि अगर रजिस्ट्रेशन कार्ड डालते समय अगर उस समय अगर आपको कुछ एरर देता है या आपको आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं दिखाता है तो फिर आपको जो है आपका कुछ ना कुछ उसमें गलत है तो फिर आप अपने प्रधानाध्यापक से आपको मिलना होगा। चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि आपको किस तरह से डाउनलोड करना है। चलिए हम लोग चलते हैं वेबसाइट पर। क्लास 10th के जो स्टूडेंट है वो जाएंगे, मैं आपको ये लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करके आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड को, तो सबसे पहले वो अपना स्कूल कोड इंटर करेंगे, उसके बाद अपना नाम इंटर करेंगे और डेट ऑफ बर्थ, ये तीन चीज डालने के बाद आप लोग सर्च बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको आपका जो है रजिस्ट्रेशन कार्ड दिख जाएगा। अगर नहीं दिखता है तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं, फिर आपको मैं उसका सोल्यूशन बता दूंगा। अगर अभी अगर आ जाता है तो ठीक है, क्योंकि मैं आपको करके दिखा देता है लेकिन अभी मेरे पास किसी स्टूडेंट का डाटा नहीं है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करके बता दूंगा। आप लोग इस तरह से देख सकते हैं, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं ताकि आप लोग वहां से क्लिक करके सीधे देख सकते हैं। ये क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए है। अब आते हैं क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए। तो क्लास 12th के स्टूडेंट जो सबसे पहले वो अपना यहाँ से कॉलेज, ये वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, वो सबसे पहले यहाँ कॉलेज का नाम सिलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करके जो उनका कॉलेज का नाम हो, फिर वो किस स्ट्रीम से है वो चूज करेंगे, फिर वो अपना स्टूडेंट नाम और फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ जो है उनका
वह चेक करके वो लोग व्यू पे क्लिक करेंगे तो फिर उसको दिख जाएगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको वहां से फिर वह चीज दिख जाएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। किसी तरह के और सहायता के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको इसका सॉल्यूशन बताया जाएगा। अगर आपका नहीं मिलता है, अगर आप लोग नहीं चेक कर पा रहे हैं तो फिर आप लोग अपना, अगर 10th के स्टूडेंट है तो ये 3 डिटेल्स आप लोग नीचे सेंड कर सकते हैं, और 12th के स्टूडेंट तो ये 4 डिटेल्स आप लोग सेंड कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा।